बात चल रही थी टूटने की, बिखरने की, कि प्यार मोहब्बत होती है तो हम टूट भी जाते हैं, बिखर भी जाते हैं और कई बार अंधेरे को गले लगाते हैं, दूर हो जाते हैं दुनिया से, कि अकेले रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस पर मैंने कहा था कि मोहब्बत के बाद जब इंसान टूटता है तो क्या होता है कि टूटा हूँ शायद अब जुड़ नहीं पाऊँगा, टूटा हूँ शायद अब जुड़ नहीं पाऊँगा, तुम चिंता मत करो वापस नहीं आऊँगा। तो क्या हुआ आजकल मैं थोड़ा शांत सा रहता हूँ, तो क्या हुआ आजकल मैं थोड़ा शांत सा रहता हूँ, परछाइयों की सुनता और अंधेरे से कहता हूँ कि देख लेना एक दिन उजाले की तलाश में चैन की नींद सो जाऊँगा, टूटा हूँ शायद अब जुड़ नहीं पाऊँगा, तुम चिंता मत करो वापस नहीं आऊँगा। प्यार का इजहार तो सबने किया होगा किसी न किसी से और सबका अलग अलग तरीका होता है। तो जब मैंने किया था तो मैंने तो यही कहा था कि क्या तुम जानती हो तुम्हें कितना चाहता हूँ मैं, क्या तुम जानती हो तुम्हें कितना चाहता हूँ मैं, लिखकर तुम्हारा नाम अपने दिल के पन्ने पर घंटों मुस्कुराता हूँ मैं, लिखकर तुम्हारा नाम अपने दिल के पन्नों पर घंटों मुस्कुराता हूँ मैं, तुम्हें किस्से कहानियाँ गज़लें दास्तां बयां कर नहीं सकते, तुम्हें किस्से कहानियाँ गज़लें दास्तां बयां कर नहीं सकते, तुम पर तो पूरी ज़िंदगानी लिखना चाहता हूँ। और होता है ना कि जैसे अंकित भाई के बारे में ही कहना चाहूँगा कि अंकित भाई की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है तो अंकित भाई को अगर अभी किसी से मोहब्बत होगी या नहीं भी होगी, जैसा कि मुझे लगता है कि अभी किसी से मोहब्बत तो नहीं होगी, लेकिन कभी कभी होता है ना आपको कोई इंसान अच्छा लगने लग जाता है, फिर आपको पुरानी चीज़ें याद आती हैं तो आप डिस्टेंस बनाते हो कि नहीं, तो आपको ना एक ख्याल आता है कि ये फिर किसी से मोहब्बत हो रही है या तूने मुझे भी फरेब सिखा दिया। तो एक बार ना जब चल रहा था हमारा भी मोहब्बत का सिलसिला, तो उस टाइम पे मैं मतलब फर्स्ट ब्रेकअप के बाद सेकंड टाइम उस डगर पे चल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार इस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। तब मेरे अंदर बात आई थी कि अगर मैं डूब भी रहूँगा तो ये इंसान मुझे बचा तो लेगा, वो बात अलग है, बाद में टाइटैनिक वाला सीन हुआ कि मुझे डुबा दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि मैं तुमसे हार जाऊँ तुम मुझको जीत लेना, कि मैं तुमसे हार जाऊं तो तुम मुझको जीत लेना, सवार हूं मैं किसी कश्ती पे ज़िंदगी के समंदर में, सवार हूं मैं किसी कश्ती पे ज़िंदगी के सवर में, एक डोर वफा की बांध कर तुम मुझको खींच लेना, मैं तुमसे हार जाऊं तुम मुझको जीत लेना, तुमसे हार जाऊं तुम मुझको जीत लेना। तो मैं बस ये लास्ट शेर कह के अपनी जगह लूँगा कि होता है ना कि लड़कियों की मजबूरी होती है, लड़कों की भी मजबूरी होती है कि नहीं यार घर वाले नहीं मान रहे या ज़माने की मजबूरी है, तो मैंने भी समझा कि शायद उसकी मजबूरी रही होगी। तो उसकी मजबूरी पर मैंने कहा था कि वो हसरतें खोकर ख्वाहिशें मार कर जी रही है, वो हसरतें खोकर ख्वाहिशें मार कर जी रही है, वो ज़माने के डर से खुद में खुद को मार कर जी रही है, वो ज़माने के डर से खुद में खुद को मार कर जी रही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you so much.